इतना लंबा फट्टा लगा ना भाई, सही बता रहा, अभी तक तो अफसोस हो रहा है। वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, इफ नॉट दिस सर्टेन वेल बिकॉज माय थिंग इज इम्पॉसिबल। सो फिलहाल अभी आप सोचेंगे मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ। फिलहाल मैं अभी आसनसोल के रिटायरिंग हूँ, मेरा सामान मुझे मिल गया, अब मैं जाऊँगा ऑफिस, यानी बोले तो कैलकटा, कैलकटा से फिर ऑफिस। ये है आसनसोल का रिटायरिंग रूम जो आपको पड़ेगा प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। ऑलमोस्ट आपको ऐसे बोलूँ तो ऑलमोस्ट मैंने दिया इसके लिए 50 रुपीज़ पर आवर, तो मैंने 1 घंटे का लिया। मैं आके आराम से सो गया, नीचे बैठा था, थोड़ा दिक्कत हो रहा था सामान रख के, सो नहीं पा रहा था, बैग था मेरे पास, इसीलिए मैं ऊपर आया, ऊपर आके आराम से रखा, थोड़ा रिलैक्स किया। अभी मैं उठा, ट्रेन आएगा थोड़ा देर में, मैं जाऊँगा। फिलहाल यही है कुछ रिटायरिंग रूम, ये है आपको कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसा है, इसी है ऑलरेडी, तो काफ़ी अच्छा है ये। आप यहाँ पे आके मतलब आराम कर सकते हैं, ये बोला जाए मेरे हिसाब से भाई। तो अगर ये IRCTC का होता तो IRCTC पर आवर का इसका मेरे से कम 150 लेता, पर इंडियन रेलवे है तो सस्ता में अच्छा है, फ्लाइट के अगेंस्ट तो नहीं होगा शायद, अब ठीक आ रहा होगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे नीचे जब ट्रेन आ जाता। सो भाई फिलहाल ये है श्री बाबू सुप्रियो BJP के प्रीमियम लॉन्ज है यहाँ पे। ये जो पहला हॉल दिखाया था इसका आपको 30 पड़ेगा, अंदर वाला जिसमें मैं था उसका पड़ता 50 पर आवर का। और टाइम तो हो गया है, फिलहाल कब तक आएगा मालूम नहीं, जब आता है ट्रेन तब मैं वहाँ पहुँच के आपसे बात करता हूँ, गलत आ गया लगता है। So, भाई साहब जनशताब्दी आ गया, 08151 ईस्ट सेंट्रल रेलवे का है। मैं अभी फोन में बात करता इसलिए आपको इंजन तो देख ही लिया था आपने, सिग्नल हो चुका है, मैं अंदर जाता हूँ फिलहाल। अब भी ये कुछ ऐसा है, काफ़ी फर्स्ट क्लास है ये, एंट्री गार्ड के लिए दिया हुआ है, मतलब ये तो अच्छा लगा फिलहाल देख के, नया देख रहा हूँ ये, और अंदर का है। फिलहाल मैं अपनी सीट देख लेता हूँ कौन सा, मुझे याद नहीं है, अंदर पहुँच ही दिखाता हूँ। एकदम एग्जैक्ट टाइम पे पता है, 4:47 टाइम था, 10:47 था, 10:48 पे डिपार्ट कर गया। ये ट्रेन जो है पटना साहब से आ रही है, पटना जंक्शन से आ रही है, फिर पटना साहब बख्तियारपुर, ये इसमें बहुत क्लोज हो गया पटना जंक्शन से पटना साहब के लिए, फिर बख्तियारपुर ठीक है, बारेली थोड़ा सा दूरी है, मोकामा हटीरा जंक्शन, लखीसराय जमुई झाझा जसीडीह मधुपुर जमात्रा जमतारा आसनसोल दुर्गापुर। और आसनसोल के बाद जो है इसका मतलब जो बोलते हैं स्टॉपेज बहुत अच्छा है, कम है ओवरऑल, उसके पहले क्यूल नहीं था शायद, ठीक है नहीं, हाँ क्यूल नहीं है, लखीसराय रुक रहा है, क्यूल नहीं रुक रहा उल्टा, जैसे सारी ट्रेनें क्यूल रुकती हैं लखीसराय स्किप करती है, पर ये उल्टा कर रहा है, ये भाई साहब क्यूल स्किप मारेगा। तो ओवरऑल जर्नी मेरे ख्याल से बढ़िया होगा मुझे जहाँ तक लगता है, काफ़ी इंटीरियर स्पेशियस है, मतलब मैं जैसे मैंने विटनेस किया नॉर्मल ICF की चेयर कार्स में, उससे बहुत डिफरेंट है इंटीरियर स्पेशियस है, और मेरे को एक चीज़ लगा सीट भी बहुत है, मेरे विंडो सीट पे कोई बैठा हुआ है होगा तो मैं उनको शिफ्ट कर दूंगा दूसरे पे, क्योंकि ऑफकोर्स मैं रिफाइनिंग करूँगा, नॉन ट्रैफिकिंग साइड में है, तो काफ़ी अच्छा है। और सबसे अच्छा बात है कि मैं टुवर्ड्स जो मेरा विंडो का जो डायरेक्शन है, मेरी सब सीट है वो टुवर्ड्स अप है, मतलब इंजन के तरफ, तो वो परफेक्ट है। सो भाई साहब दुर्गापुर आ गए, पर अनफॉर्चुनेटली लोग बोलेंगे कि भाई तुम वीडियो क्यों नहीं लिया, रीज़न ये था गेट खोलने वाला था, RTO बाहर खड़े थे, उनके सामने गेट खोल लेता तो आगे तक भी नहीं ले पाता, इसीलिए जो था वीडियो मैंने नहीं लिया, मैं बोला रुक जाता हूँ दुर्गापुर बाद लेंगे यार, रानीगंज की सेशन स्किप किया था 110 पे, उसके पहले एक आपको वरिया सेशन स्किप किया था, उसके बाद सब जगह तो थोड़ा बहुत PSR शायद अंदर में, मेरे ख्याल से PSR है 75 के ऊपर तो ट्रेन जाता नहीं है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा,
ओवरऑल गाड़ी अच्छा है, पर यहाँ इस तरफ में वॉशरूम नहीं था। मैंने एक चीज़ नोटिस किया आपने, मतलब ये तो दो है कैब पेंट्री कार टाइप के लिए, तो बस यही है फिलहाल। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सिग्नल हो गया है, तो फिलहाल बस यही है। देखिए क्या होता है, गाड़ी खुलेगा उसके बाद अब लेंगे भाई कैमरा से। आई थिंक आरबी उधर गए। वैसे अगर बोलूँ भाई तो अभी जस्ट हम लोग बर्दवान क्रॉस किए हैं। वैसे यहाँ पे सारी ट्रेनें हॉल्ट देती हैं, सारी मतलब काफ़ी ट्रेन जो है यहाँ से स्किप भी करती है, ऐसा बात नहीं है। प्रीमियम ट्रेन में बोलूँ तो मेरे नज़र में सिर्फ एक ही ट्रेन दिखता है, आई थिंक वो है हावड़ा राजधानी वाया पटना, जो यहाँ हॉल्ट देता है। वो आसनसोल हॉल्ट नहीं देता भाई, तो ये थोड़ा सा अलग है। और ये पूरा लोको सेट मतलब बर्दवान का मुझे जहाँ तक मालूम है, अगर पता कर लूंगा तो भाई क्या चमक रहा है। तो फिलहाल शक्तिगढ़ पहुंचे, देखे क्या होता है। आप तो भाई इसी ट्रेन में भाई ऐसे ही भीड़ ज्यादा कि कोई सीजन है इसलिए भीड़ ज्यादा? नहीं नहीं, अभी लगन चल रहा है ना, इसीलिए भीड़ ज्यादा। अच्छा, तो भाई साहब इसी ट्रेन में है, अगर भाई मिले तो प्लीज खरीदना। आप लोग तो इसे ना आईसीडीसी, तो आप लोग आईसीडीसी से हम लोग कमीशन पे काम करते हैं, इंडियन रेलवे में नहीं है ना? नहीं हम लोग, तो भाई ये आपके लिए है। जो आप बोल रहे थे तेजस एक्सप्रेस में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कोई इंडियन रेलवे का स्टाफ नहीं होता रेलवे में सिवाय टीटी, थैंक यू भाई, सिवाय टीटी और आरपीएफ को छोड़ के। दोस्तों इस पर ध्यान दो यार, इतना फिजूल पे झगड़ा करने से फायदा नहीं है। आईसीटीसी वाले तेजस में भी ऑफकोर्स एक बंदा है, और नहीं एक्चुअली दो बंदे हैं, एक हो गया गार्ड और एक हो गया एलपी। वो दोनों जो है वो इंडियन रेलवे का है, जो हॉलिंग पेड हॉलिंग चार्जेस होता है ना आईसीटीसी पेड करता है इंडियन रेलवे को। तो इसमें कुछ गलत नहीं है यार, प्राइवेटाइजेशन कोई कभी ख़राब होता नहीं है। जो ऐसा नहीं है कि पूरा इंडियन रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, वो कभी होने वाला है नहीं, क्योंकि इंडियन रेलवे का इससे इनकम होता है। अब फिलहाल मेरे हिसाब से तो रेलवे करप्ट नहीं है, ऐसे चलता है क्या, ऐसे बना कर लड़की वाला यार मजाक मजाक लड़की वाला देखे चला गया मेरे को।
तो भाई अब भी फिलहाल एक बहुत बढ़िया ओवरटेक होता है या पैरेलल होता है सियालदह दुरंतो के साथ। काफ़ी जैसे उसको ट्रैक कर रहा था मेरे को लगा अब आ रहा है तो तब आ रहा है, पर वो पीछे पीछे आ गया इसका, पर अनफॉर्चुनेटली ओवरटेक नहीं कर पाया। उसको दो बार डाउन मेन में डाला गया, फिर मेन लाइन में आया। एक बार ये तो पहले से ही मतलब रिवर्सल पे था, फिर डाउन मेन में इसको भेजा गया, फिर रिवर्सल पे आया, उसके बाद तो अब रिवर्सल पे भाग ही गया भाई साहब ये। सो भाई फिलहाल हावड़ा पहुँच गया, ये जर्नी मेरे महंगा हो गया क्योंकि अनएक्सपेक्टेड हाथ में घड़ी था मेरा टैग और वो खो गया। इतना लंबा फट्टा लगा ना भाई, सही बता रहा, अभी तक तो अफसोस हो रहा है। एक्सपेक्टेड ही नहीं किया था ऐसा भी हो सकता है, पर मेरे को जहाँ तक, क्योंकि एक्चुअली मैं जितना बार भी ट्रैवल किया था मेरा आदत था कि सामान फेंक के सो जाता था, यहाँ ऐसा हो गया एक्सपेक्टेड नहीं था। बात किया पर कोई बताइए। फिलहाल आपको अगर जर्नी अच्छा लगा इफ यू लव दिस व्लॉग देन डोंट फॉरगेट टू लाइक बटन, चैनल में नए हो भाई सब्सक्राइब कर देना। सो भाई हावड़ा पहुंच गया, दोबारा से बोलते हैं कैसे इफ यू लव दिस व्लॉग देन डोंट फॉरगेट टू लाइक बटन, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। एज ऑलवेज शुक्रान, अलविदा, माशाल्लाह, टेक केयर एंड डू व्हाट एवर यू वांट, माय लव यू फ्रॉम जस्ट वेट। अभी थोड़ा स्माइल नहीं आएगा भाई, हंसेंगे फिर भी थोड़ा कम आएगा क्योंकि घर ही चला गया यार। अनएक्सपेक्टेडली गया, पर कोई सबसे बुरा बात इस बात का लगा यार, जो लिया था एक बार भूल तो सकता था भाई, मेरे पास है, मैं तो चोर नहीं बना रहा ना यार। अब गया तो गया, बेटर लग नेक्स्ट टाइम यहाँ घड़ी लेंगे। तब तक के लिए सबक है, बाय।